As we leave the premises of the resort at Lonavala, where hundreds have assembled to attend the workshop of Dr. Ravindra Nandedkar, we realize what we have just been witness to. A two-day residential workshop helping to create hundreds of messiahs for the diabetic patients across the country. A workshop to take forward the mission, Diabetes Free India. For the past 1 week, it has rained incessantly in Maharashtra and in major parts of Western India. Still, it's a full house gathering that stands up to cheer Dr. Nandedkar as he walks into the conference room to address all those who have come from various parts of India to learn the nuances of his principles and products and pass on the good word across the country. पधारे हुए आप सभी लोग अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां लगे तो सही लोगों को कि यहाँ पे कोई अभियान का काम हो रहा है। But what has inspired them to come? I am diabetic from last 7 years, and my mother is also diabetic from last 13 years. So we both were facing severe diabetic complications, and in this last 13 years, we have visited many doctors. We have tried every possible possibility, but nothing was fruitful. Results were not up to the marks. In last 2018 November, I heard about Dr. Nandedkar ji, and I went to Pune. I met him, discussed everything, and started the treatment for my mother. And what a wonder, results came within a 15 days. She started feeling better, reduced her urination, and sugar was also very much under control. And after seeing her results, I also started the same treatment. Friends, initially my sugar was above 315, but within a month it has come normal. मी अगोदरपासून ॲलोपॅथीच्या गोळ्या घेत होतो, परंतु 12 जुलैला मी आमचे जे सल्लागार आहेत संतोष भाऊ यांच्या संपर्कात आलो आणि मी औषध सुरू केलं डायबिटी. लगेच मला जवळपास 16-17 दिवसानंतर मी जी टेस्ट केली त्या टेस्टमध्ये 41 पॉईंट ग्लुकोजचा तो जो स्तर आहे तो कमी झालेला आढळला. त्यामुळे मी आजच्या या प्रशिक्षणासाठी हजर झालो आहे. ॲक्च्युअली मला डायबिटीस वगैरे आहे असं मला काही माहीत नव्हतं. तर आमच्या अकोल्याचे जे डॉक्टर्स आहेत, माझी फॅमिली डॉक्टर आहेत, त्यांना काहीतरी शंका आली असेल, त्यांनी मला म्हटलं ब्लड टेस्टिंग करून घ्या म्हणून. तर एक सिम्पल ब्लड टेस्टिंग म्हणून मी रेग्युलर ब्लड टेस्टिंगसारखी मी केली, तर मला जवळपास 436 माझी शुगर निघाली होती. त्यावेळेस 436 निघाल्यानंतर साहजिक आहे, ते सामान्य माणूस एक तर मला आजपर्यंत त्या रोगाचा अनुभव नाही कोणत्याच, आपल्याला एकदम रफ राहण्याची सवय आणि ते कसं मला ते एकदम मी हादरलो, म्हणजे घाबरलो. मी स्पष्टपणे सांगतो मी घाबरलो. घाबरल्यानंतर कसं झालं की मला असं वाटलं की बा मग मी तरी पण ॲलोपॅथी गोळ्या कधी खाल्लेल्या नाहीत, त्यामुळे मला असं वाटलं की ती गोळी जर एकदा लागली तर माझ्या मागं लागून देईन. म्हणून मी अजून एक दिवस थांबलो. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा टेस्ट केलं, ते संतोष भाऊ आले, ते आमचे मित्र आहेत संतोष मिसळे, ते आले आमच्या घरी. त्यांनी मी त्यांना फोन करून बोलावलं होतं. मला माहीत होतं ते काहीतरी डायबिटीसवर काम करतात म्हणून. मी त्यांना म्हटलं तुमच्याकडे काहीतरी आहे असं मी ऐकलं होतं. तर त्यांनी त्यांचं ते काढलं आणि त्यांनी टेस्ट केलं पुन्हा मला 495 सेकंड डे, कारण की मी काही घेतलं नव्हतं काही औषध वगैरे. आणि मग त्यांनी मला एक 360 म्हणून एवढी जवळपास 2000 रुपयाची एक बॉटल आहे ती, एवढी एक बॉटल दिली त्यांनी मला. त्यात लिक्विड होतं, प्रोटेक्ट 360 म्हणून. तर त्याचं मी 15-15 ml 2 वेळा सकाळ संध्याकाळ. तर तुम्हाला सांगतो त्यानंतर, म्हणजे मी आजपर्यंत कधीच मला अभिमान सांगा वाटतं की मी ॲलोपॅथीची एकही गोळी खाल्लेली नाही डायबिटीससाठी, आणि माझं शुगर कंट्रोलमध्ये आहे. And there are many as well whose loved ones have been benefited. एक्चुअली मेरी मामा को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम लास्ट 2 ईयर्स से था. वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा इनएक्टिव फील करती थी. जब मैंने अपनी मामा को विश्वास के साथ और डॉक्टर रविंद्र जी जो हैं उनका जब मैंने लेक्चर सुना तो आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड. और फिर जब मैंने उन्हें विश्वास के साथ दिया
तो इट वर्क्स अ लॉट. मेरे घर में खुद मेरे हस्बैंड जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनको भी डायबिटीज़ था. मैंने बहुत उनको कन्विंस किया, लेकिन हम बोलते हैं ना, हम बाहर के लोगों को कन्विंस कर पाते लेकिन घर के लोगों को कभी नहीं. लेकिन बहुत मनाने के बाद उन्होंने शुरू किया. जब रिजल्ट आया, मेरी बेटी खुद एमएस सर्जन है, वो ईएनटी सर्जन है, उसको भी मनाना मुश्किल था. एलोपैथी डॉक्टर, आप सोचते हो उनका एक ईगो होता है, वो दूसरी पैथी को नहीं मानते. लेकिन जब उसके पापा के उसने देखा कि मेरे पापा क्योर हो चुके हैं, तो आज वो खुद मुझे भी, मेरी फैमिली भी मुझे हेल्प कर रही है. मैं धन्यवाद कहती हूँ दिल से डॉक्टर रविंद्र नांदेकर सर जी का, जो ये प्रोडक्ट हमें उन्होंने पहुँचाया है. In fact, we soon get to realize that even the mentor who is conducting the camp today is a beneficiary of the mission. तकरीबन नवंबर 2015 में आई का ट्रीटमेंट हमने शुरू की, और 2012, 13 और 14 ये आई के लिए बहुत बुरा गुजरा था. मतलब उस दौरान में करीब हमने 4 बार आई को एडमिट किया था हॉस्पिटल के अंदर, और आई का विचार बहुत अलग हो चुका था लाइफ को लेकर, कि शायद अब मुझे ज़्यादा समय मेरे पास में नहीं है. पर नवंबर 2015 में जैसे सर के प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो विद इन 6 मंथ मम्मी को 52 यूनिट इंसुलिन था जो बंद हुआ. फिर आगे 3 महीने हमने उनको टैबलेट पे शिफ्ट किया, 3 महीने में वो टैबलेट्स बंद हुई. 13 से 14 महीने में मम्मी को थायराइड था, वो टैबलेट्स की रिपोर्ट नॉर्मल होने के कारण विड्रॉ हो गई. और ऐसे करते करते एक 16, 17, 18 महीने के अंदर तकरीबन ये कहेंगे कि सारा ही जो उनका ट्रीटमेंट था अपना लिपिड प्रोफाइल के लिए, जो मेंटेन करने के लिए जो टैबलेट्स चलती थी, वो भी बंद हो गई, और एक नॉर्मल लाइफ जो है उनका जीना शुरू हुआ. और खुशी ये बताते हो रही है कि 3.5 साल अभी हो चुके हैं और एक बार भी हमको हॉस्पिटल नहीं जाना. अब मैं केवल डायबिटी और कैप्सूल पे चल रही हूँ. मैंने वो जो लिक्विड है वो भी अब बंद कर दिया है. क्या यानी इतनी प्रोग्रेस देख के मेरे को मेरे जीवन में इतना आनंद आया कि मेरे को कभी लगा नहीं था कि मैं इतने ये बीमारी में इतनी बाहर आ सकूँ और इतने आनंद में रह सकूँगी. और जैसे ही डेवलपमेंट हुआ ना, तो वैसे ही मतलब जब सर के मिशन के साथ मैं जुड़ा, मतलब तो उस समय में मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं प्री डायबिटिक हूँ. और आज से करीब 2.25 साल पहले ये मालूम पड़ा कि मैं प्री डायबिटिक हूँ. मेरी वाइफ प्री डायबिटिक है, मुझे नहीं मालूम था. जब सर के मिशन के अंदर हम टेस्ट करते थे, चेकअप करते थे, तो वहाँ वो मालूम पड़ा कि वो प्री डायबिटिक है. और फिर डायबिटी हमने लेना स्टार्ट करी. हम दोनों अब नॉर्मल है. लगातार हमारा लास्ट 2 HbA1c 3 HbA1c रिपोर्ट जो हमने चेक करे हैं सब नॉर्मल है. तो मतलब वो जो प्रेरणा सर उस प्रोडक्ट को देखकर मिली लगातार, और फिर मैं सर के साथ एसोसिएट हो गया इस मिशन के अंदर. और फिर धीरे धीरे करके जहाँ आई बाबा को जो रिजल्ट मिले, फिर कार्य शुरू हुआ. 4 राज्यों में मैंने कार्य करना सर के साथ शुरू किया. और आज कहते हुए खुशी हो रही कि हजारों लोग हैं ऐसे हैं जिनको एक नव जीवन आज सर के मिशन के माध्यम से, प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदान करने का मौका या सौभाग्य मुझे मिला. दिस इज अ स्टोरी ऑफ ट्रू इंस्पिरेशन, inspiring one and all to come forward in nation building. What else we require? What else we look forward to? But this has not come easy for Nandedkar. At the age of 5, aisa hua ki achanak se mere jo bayi aankh hai uski roshni chali gayi. Jab dekha to aankh size mein choti bhi ho gayi thi, aur jab hum doctor ke paas gaye to unhone kaha ki जो मुझे बचपन से कंजेनाइटल हाई मायोपिया है, तो उसी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट माने जो हमारा आँख के पीछे एक पर्दा होता है वो गिर गया है. ड्यूरिंग द सेम टाइम यंग रविंद्र फेसेस हिज वर्स्ट हेल्थ स्केयर दैट चेंजेस हिज लाइफ फॉरएवर. मैंने ये देखा कि एक दिन घुटनों में जो है वो स्वेलिंग आ गई है, और वो स्वेलिंग बढ़ती गई, और फिर मेरे नी जॉइंट्स में स्वेलिंग आई. और तब पता चला कि जो इनिशियल लेवल पे हम केवल फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये ऐसी बात नहीं है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. एंड देन वी अंडरस्टूड कि ये जो है ये आर्थराइटिस है, जिसे हम संधिवात कहते हैं. एंड देन व्हेन इन 7th स्टैंडर्ड रविंद्र प्रोसीड्स फॉर जलगांव टू एंजॉय हिज ईयर एंड वेकेशंस. वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है वहाँ के, वहाँ एक बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन आने वाले थे. और उन्होंने उस कैंप में पापा ने मुझे उन्हें दिखाया, उन्होंने एक्सरे देखा, और उन्होंने ये देखा कि एक्सरे में उन्होंने बोला कि शायद बच्चे को बोन टीबी है,
लेकिन चूंकि वहाँ के सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन उन्हीं के स्टूडेंट है, तो शायद वर्ड को अनदेखा किया गया एंड दे स्टार्टेड मी ट्रीटमेंट ऑफ बोन टीबी. सून डॉक्टर्स रियलाइज्ड दैट यंग रविंद्र नेवर हैड बोन टीबी. हाउएवर सडन हॉल्ट ऑफ ऑल मेडिसिंस रिजल्ट्स इन सीवियर विथड्रॉल सिम्टम्स. ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि डॉक्टर्स ने ये कन्फर्म कर दिया कि ही कैन नॉट सर्वाइव. और सुबह 9 बजे पापा को बुलाया और मेरे ही सिराने खड़े होकर पापा को डॉक्टर जो हेड थे इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बोला कि हमें ऐसा लगता है कि आपका बच्चा 24 घंटे से ज़्यादा जी नहीं पाएगा. 36 years later, Dr. Nandedkar's voice still chokes in while remembering that day. क्यों ना आप आपके बेटे को घर में लेके जाइए और ये रिलेटिव्स के साथ में जाए. However, it is not the tears for himself, it is for his father. His defeat reminds him the victory of a father who never let go his son even when young Ravindra gave up on himself. Just go back in time and be for a moment in that day with the Nandedkars. Imagine a father whispering in his son's ears the good things about life, telling him that he would come home again in his next birth. And that they would wait for him till eternity. और मुझे पापा घर लेके आए. पापा चूँकि डिस्ट्रिक्ट हेड थे तो उन्होंने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग से परमिशन ली एक लंबी छुट्टी के लिए. और 4:30 बजे वो एक बुलक कार्ट होती है, बैलगाड़ी भर के जड़ी बूटियाँ एक 82 years के एक वैद्य जी, बूढ़े वैद्य जी और हमारे जो खेतों में काम करने वाले सरकती वगैरह वो लोग थे उनको लेके आए. और चूंकि उनको ये कहा था कि 24 घंटे से ज़्यादा आपका बच्चा नहीं जिएगा. और जैसे ही मुझे वो वैद्य जी आए, उन्होंने मुझे खटिया पे सुलाया. नीचे एक खटिया को चारों बाजू से कुछ ईंट लगा के उसकी हाइट बढ़ाई और नीचे सेगड़ी रख के उसके ऊपर एक बर्तन रखा, पानी डाल के अलग अलग जड़ी बूटियों का स्टीम देना शुरू किया. जैसे स्टीम शुरू किया, ऊपर से पूरे बॉडी के ऊपर से वैद्य जी ने कंबल डाल दी. और एक काम कर रहे थे वो मेरे साइड में बैठ के एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक, माने वो कैसे करते थे कि यहाँ पे उंगली दबाई, माने एक जगह पे उंगली दबाई फिर उसको दबा के वो दूसरी जगह पे, फिर दूसरे हाथ से फिर आ गया और इस तरीके से. तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड एज ए मैनुअल लिम्फ नोड ड्रेनेज, MLD. तो वो मेरे जो बॉडी में 8-9 महीने से सारे एलोपैथिक केमिकल्स का जो टॉक्सिन भर गया था अंदर से और जो बाहर निकला नहीं, एलिमिनेट नहीं हुआ था, और जिसके वजह से ये स्थिति पहुंच चुकी थी कि मैं मृत्युशैया पे आ गया था. तो उन्होंने 4:30 बजे से जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो धीरे धीरे मेरे पूरी रात भर जग के बॉडी के हर पार्ट से इस तरीके से एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक उसको ड्रेन किया. और चूँकि घर में स्पिरिचुअल एटमोसफियर था, बचपन से अश्वमेघ देन पांडव प्रताप देन भगवद गीता ऐसे सारे ग्रंथों का एक संस्कार था, तो मैं इतने कम उम्र में ये जान चुका था कि शरीर आप नहीं है, आपका आत्मा माने आप हो. और आई वॉज रेडी कि भाई ठीक है, इस जन्म में नहीं मैं कुछ कर पाया, सुबह 9 बजे इस सुंदर क्या कहेंगे दुनिया को मैं छोड़ के जाने वाला हूँ. और माइंड ही माइंड में मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया कि ओके टुमारो एट 9 AM सुबह में 9 बजे दुनिया में नहीं रहूंगा. और रात भर यह सारा चलता रहा, सब लोग जग रहे थे. सुबह जैसे 8:30 बजे जिस चीज़ के लिए मैं रेडी था, फिर 8:50 हुए और 9 बज चुके. और 9 बजने के बाद जैसे जैसे समय आगे बीतता गया तो एकदम से एक क्या कहेंगे एक नई चीज़ सामने उभर के आई. जिस चीज़ के लिए मैं रेडी था वो हुआ नहीं. Thus begins Dr. Nandedkar's lifelong association with Ayurveda. दुनिया में ऐसा कोई साइंस है जो इंसान को रीबर्थ दे सकता है. और फिर उस समय में बचपन में मैंने डिसीजन लिया कि जिस साइंस ने मुझे एक बार फिर जीने का मौका दिया है, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं, अब अगर मुझे जीवन मिला ही है तो ये सारा जीवन मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें
उस नए जीवन की अपेक्षा में जो रुके हुए हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये साइंस आयुर्वेद ना ही मेरे देश में लेकिन पूरे दुनिया भर में मैं लेके जाऊंगा और लाखों करोड़ों लोगों का एक नया जीवन दूंगा। एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ अ फादर सन डुओ टू फाइट ऑल ऑड्स एंड मेक श्योर रविंद्र नांदेडकर कंटिन्यूज विद हिज स्टडीज। मेरा जो पढ़ाई थी उसमें गैप नहीं होने दिया। मुझे अभी भी याद है कि बीइंग अ सुपर क्लास वन ऑफिसर, पापा ने काफ़ी लोगों को बोला कि मेरे बेटे को कोई स्कूल में लेके जाए और लेके आए, लेकिन सारे ऑटो वाले वगैरह मेरी सारी शरीर की हालत देख के किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो आखिर में पापा सुबह 10 बजे ऑफिस जाते थे, 12 बजे जब मेरी स्कूल थी 12 से 5 तो फिर आते थे, क्योंकि कुछ कुछ घुटने के और बाकी मोमेंट तो शुरू हो गए थे बट ये हिप जॉइंट जो है 98% फ्यूज़ हो चुका था। तो पापा मुझे स्कूटर पे पीछे बिठा के खुद स्कूल लेके जाते थे, फिर स्कूल में बिठाते थे क्योंकि बेंच में मुझे ऐसा घुसना पड़ता था, जैसे तैसे मैं बैठता था, फिर 5 बजे फिर लेने आते थे और इस तरीके से मेरा जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू होते रहा। The more his physical conditions tried to plague him down, his courage and inner strength grew manifold. I stood first in Jalgaon district. साइंस में 144 थे, सोशल स्टडीज़ में 98 थे एंड ओवरऑल ड्यू टू राइटर लैंग्वेज में कुछ मार्क्स कम आए लेकिन 84% आए और केवल 4 मात्र मार्क्स कम थे जो मुझे स्टेट बोर्ड मेरिट से जिसने दूर रखा, बट आई सिक्योर्ड मींस नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मैंने क्वालिफाई कर ली और अब मैंने उस चीज़ के लिए मैं रेडी था कि 11th साइंस मैं करूँगा, 11th एंड 12th साइंस एंड देन आई विल गो फॉर माई मेडिकल स्टडीज़। लेकिन तभी मेरे बड़े भाई, और तब तक मुझे क्रचेस लेके चलना पड़ता था, कुछ मोबिलिटी आई थी लेकिन मैं विदाउट क्रचेस खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा था, तो क्रचेस लेके मैं चलता था और बड़े भाई मेरे फार्मेसी में गए और पापा ये चाहते थे कि उसके साथ में किसी का मुझे सपोर्ट हो एजुकेशन में, तो पापा ने बोला कि यू ऑल्सो डू फार्मेसी। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड नॉट फॉर अ करियर, दैट्स हाउ नांदेडकर डिस्क्राइब्स हिज सीक्रेट टू सक्सेस। साइंस को जानना था ताकि जिसे मैं जानूं और उससे फिर मेरा आयुर्वेद, जो हमारा जो आयुर्वेद है उसको आगे लेके जाओ। स्टेप बाय स्टेप रविंद्र गोज अहेड टू कंप्लीट हिज एजुकेशन एंड देन बिगिंस हिज इंडस्ट्रियस करियर। आगे मुझे मौका मिला कि 6 महीने मैंने धुलिया एआरए कॉलेज ऑफ फार्मेसी में लेक्चरशिप की और आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए प्रिंसिपल इन एनटीबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नंदुरबार, जो एक महाराष्ट्र में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मुझे फिर वही बात आती है कि जब मैंने जलगांव में एक डिप्लोमा कॉलेज के लिए इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उस प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि यू आर एमफार्म एंड गेट क्वालिफाइड, तो नंदुरबार में एक प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, आप वहाँ जाइए। एक जेब में से छोटी पर्ची जो न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट था वो भी उन्होंने मुझे दिया। मैं घर आया शाम में, पापा ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, मैंने बोला आई गॉट रिजेक्टेड, बट उस प्रिंसिपल ने मुझे ये बोला कि नंदुरबार में आप एज ए प्रिंसिपल काम कर सकते हैं लेकिन मैं अब लेक्चररशिप काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यही मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है और आई डोंट वांट टू गो फॉर, क्योंकि 21 लोगों का स्टाफ है, पूरा इंस्टीट्यूट चलाना पड़ेगा। पापा ने सारी बात मेरी सुनी और एक चीज़ कही कि सुबह हम 4 बजे के हावड़ा एक्सप्रेस से नंदुरबार जा रहे हैं। आई वॉज माने आश्चर्य से उनके तरफ देख रहा था। उन्होंने बोला बेटा देखो ऐसा है कि हम जाएंगे, आपको लगता है आप नहीं काम कर पाएंगे तो मैनेजमेंट विल रिजेक्ट यू एंड वी विल कम बैक, लेकिन बेटा एक चीज़ आपको जिंदगी में याद रखनी है कि बिकॉज माई डैड इज 2001 में छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी हर एक चीज़ आज जो भी मैं हूँ मेरे पापा के वजह से हूँ। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में आप ट्राई कीजिए और कभी भी खुद को रिजेक्ट मत कीजिए, लेट द वर्ल्ड रिजेक्ट यू नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप खुद को रिजेक्ट कर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। Soon he starts working in the tribal areas and gets introduced to millions of herbs and plants that were until then unknown to him. पापा को मेरे डायबिटीज था, वो इंसुलिन ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई कंट्रीब्यूट करना ही है सोसाइटी में
तो जिस वजह से जो भगवान के बाद जो मेरे आइडियल है, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है, एक राह दिखाई है, तो इसी डिसऑर्डर पे मैं काम करूं। दिस गिव्स हिम द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द सब्जेक्ट दैट वुड सून बिकम हिज मोटिव ऑफ लाइफ। ही सून गेट्स टू सेंड द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हिज रिसर्च पेपर्स एट द इंटरनेशनल फोरम इन स्विट्जरलैंड। द लॉजिक वॉज कि जो भी प्लांट्स मैंने यूज किए थे दे वेयर फ्रॉम आयुर्वेदा टेक्स्ट, और जो टेक्नोलॉजी यूज की थी दैट वॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हिज पेपर गेट्स रिजेक्टेड। हाउएवर नंदेडकर हैज लॉन्ग गिवन अप द हैबिट ऑफ टेकिंग अ नो फॉर एन आंसर, एंड फाइनली दे एक्सेप्ट नंदेडकर्स फाइंडिंग्स एंड अलाउज हिम द प्लेटफॉर्म। तब मैंने ये कहा कि अगर डायबिटीज में आपको शाश्वत इलाज चाहिए तो पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज नथिंग बट द आयुर्वेदा। दूसरी बात मैंने वहाँ पे कही, केवल जो कि हमें हमारे एनिमल स्टडीज़ में मिली थी कि हम 6-6 के ग्रुप में रैबिट्स को डिवाइड किए थे, वहाँ पे हमने एक टेस्ट होता है, एक सैंपल होता है एंड एक कंट्रोल होता है। टेस्ट में जो एक स्टैंडर्ड होता है और एक टेस्ट होता है, टेस्ट में मेरा फॉर्मुलेशन है, स्टैंडर्ड में जो अब एस्टैब्लिश एलोपैथिक ड्रग है, और कंट्रोल में कोई नहीं है। और पीरियडिकली जब हम एनिमल को सैक्रिफाइस करते जा रहे थे तो हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड में भी ब्लड शुगर कंट्रोल हो गई है और मेरे ग्रुप में भी ब्लड शुगर कंट्रोल हो गई है। लेकिन जब एनिमल को सैक्रिफाइस मैंने मारते हैं और उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल सारे ऑर्गन्स को टेस्ट करते हैं, तो एक नई चीज़ उभर के आई सामने कि भले ही उनकी ब्लड शुगर कंटिन्यूसली कंट्रोल है, लेकिन सेल्युलर लेवल पे जो चेंजेस हुए हैं वो रिकवर नहीं हो रहे हैं। देन आई रियलाइज कि केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करोगे तो जो इरिवर्सिबल चेंजेस आपके सेल लेवल पे हुए हैं वो रिवर्स नहीं हो रहे, माने देर इज समथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू डायबिटीज। एनिमल पहले डायबिटिक तो था नहीं, एलोक्सन हमने उसके ईयर वेन से पास करके उनको डायबिटिक किया और उनको एज ए मॉडल हमने यूज़ किया। अब उनकी कंटिन्यूसली ब्लड शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो सेलुलर लेवल पे चेंजेस है वो रिवर्स नहीं हो रहे। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर रिसर्च कि केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करने से आपकी रियल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लड शुगर के वजह से इंसान फेटल नहीं है। ब्लड शुगर लगातार बढ़ने से जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हार्ट के ऊपर, आँखों के ऊपर, किडनी के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, दीज कॉम्प्लिकेशंस आर फेटल। और आज पूरे दुनिया में डायबिटीज की वजह से जो हैवाक है वो ना कि डायबिटीज की वजह से नहीं है, दिस इज ऑल ड्यू टू डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, जिससे जान जा सकती जाती है, और इसीलिए पूरी दुनिया डरी है और सारे प्रॉब्लम वहाँ पे है। और वो कॉम्प्लिकेशंस ब्लड शुगर लगातार कंट्रोल करने से नहीं हो रहे। तो हमने ये पाया कि ऐसी कोई चीज़ हमारे पास अगर आयुर्वेद से मिल जाए जो किडनी, नर्व फाइबर्स, रेटाइना, योर ब्लड वेसल्स, उसके ऊपर परमानेंट सॉल्यूशन करे और कॉम्प्लिकेशन से 100% रिवर्स करे, तो देन वी स्टार्टेड इन दैट डायरेक्शन। और जो चीज़ें जैसे कि किडनी के लिए हमें गोखरू, पुनर्नवा और गुडुची मिला, जैसे कि आँखों के लिए हमें मोरिंगा मिला, जैसे ब्लड वेसल्स के लिए हमें ये आपकी दूधी मिली, आपका दालचीनी मिला माने सिनामोम, देर आर एन नंबर ऑफ प्लांट्स वी ट्राइड, हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स वी ट्राइड, एंड वी फाइनली सिलेक्टेड फ्यू प्लांट्स अमंग देम, जिनमें एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन भी हो और वो सारे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को एक लेवल थर्ड स्टेज तक भी कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको 100% रिवर्स कर पाए, एंड देन इट बिकम ए यूनिक फॉर्मुलेशन। और यही चीज़ मैंने स्विट्जरलैंड में जाके रखी कि डायबिटीज़ का सही इलाज आयुर्वेद है, एंड नॉट ओनली दैट, नाउ वी हैव टू चेंज द डायमेंशन ऑफ ट्रीटमेंट। हमें केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना माने हमारी ट्रीटमेंट नहीं है, अगर हमें संपूर्ण और सर्वांगीण मीन्स कंप्लीट एंड कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच टू डायबिटीज अगर करना है तो हमें डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन को भी सोचना पड़ेगा, जो अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आज भी नहीं है। वी ओनली कंट्रोल ब्लड शुगर और डे बाय डे आपका डायबिटीज बढ़ते जाता है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, पहले टैबलेट से फायदा होता है, फिर वहाँ रुक जाता है, फिर आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, एंड अ डे अराइव जहाँ सब कुछ खत्म। तो ये अप्रोच हमने चेंज की, और वो जो पेपर था हमारा रिसर्च पेपर वन अवार्ड ऑफ जूरी अवार्ड जो था बेस्ट पेपर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। हिज पेपर नॉट ओनली विंस द जूरी अवार्ड फॉर द बेस्ट पेपर ऑफ द कॉन्फ्रेंस बट गेट्स हाईली अप्रिशिएटेड बाय नोबेल लॉरेट एंड द फादर ऑफ एमआरआई। डॉक्टर नंदेडकर्स जॉय इज एक्लिप्स्ड बाय द डेथ ऑफ हिज फादर ड्यू टू द सेम डिजीज
he chose to eradicate. This only makes his resolve even more resilient than ever before. त्याच्या वडिलांना डायबिटीजचा त्रास होता पण त्यावेळेला माझा मुलगा तयार झालेला नव्हता ते त्याला ते दिवस त्यांनी पाहिले असते तर त्यांना खूप खूप आनंद झाला असता की आपण एवढे प्रयत्न त्याच्यासाठी केले त्याचं आज त्यांनी सोनं केलं पण ते आज ह्या जगात नाही आहे त्याचं मला फार वाईट वाटतं अत्यंत वाईट वाटतं In 2004, the government of India takes cognizance of the matter. और मुझे बताते हुए खुशी और दुख दोनों हो रहा है कि एक इंसान जिसने ये कहा कि हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे वो इंसान दुर्भाग्य से आज नहीं है और वो इंसान है उस समय के सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर सुषमा स्वराज उन्होंने कहा कि मेरे पास वो फैक्स की कॉपी है जो पार्लियामेंट से प्रोसीडिंग की कॉपी मेरे पास है उन्होंने कहा कि जो हमारे सम्माननीय संसद सदस्य जिन्होंने मुझे ये बात से अवगत किया है हम इन सारे चीज़ों को तथ्यों को जानेंगे और इसमें अगर वाकई कुछ मिला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर नांदेडकर और उनके टीम के साथ में खड़ी होगी और उन्हीं के वजह से ग्रांट मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में हमारे ही रिसर्च के ऊपर एक थर्ड पार्टी एनालिसिस शुरू हुआ जब तक उसका रिजल्ट आए तब तक ये सरकार गवर्नमेंट में थी नहीं बट वो रिजल्ट ये आया कि दिस फॉर्मुलेशन वॉट एवर रिसर्च वी डिड इज बेटर देन एग्जिस्टिंग एलोपैथिक मेडिकेशन एंड 100% सेफ डॉक्टर रविंद्र नांदेडकर आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत नमस्कार डॉक्टर बाय दिस टाइम Nandedkar has already become an icon who fights against a deadly disease, diabetes. हे इतकं सुंदर व्यासपीठ मला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी सर्वात प्रथम दूरदर्शनचा मनापासून आभार 80% मधुमेहाचा त्रास हा पेशंट स्वतः घालवू शकतो स्वतःच्या दिनचर्येतून आणि कोणत्याही याच्यामध्ये इट इज अ डिसऑर्डर हा डिसीज नाही मधुमेह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान द्वारा 200 से अधिक रक्त शर्करा तपासरी महाशिविर का आयोजन किया गया है 3.5 लाख की आबादी वाले इस तालुका में एक ही दिन 350 सेंटर के द्वारा 1 लाख श्रीगोंदा वासियों की जांच दोस्तों आज हो रही है और ये विश्व का पहला ही अवसर है कार्य आदर्श राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर रविंद्र यशवंत नांदेडकर जळगाव महाराष्ट्र डॉक्टर And then, finally in 2008, Nandedkar wins the National Award from the Government of India for his contributions. India has been rich in giving, rich in giving spiritual well-being. But very few know and believe the contribution of Indian science and technology, which was way ahead even thousands of years ago when the world was still in the cradle of civilization. Diabetes mellitus, this term has coined in somewhere in 17th century, 1647-48, something like that. Aur iske liye jab dawai bani modern science mein, तब वो बनी है कि 20th century में पहला जो इंसुलिन का डोज एक 21 साल के थॉमस नाम के बच्चे को दिया गया 1927 समथिंग उस पीरियड में और अभी अभी कुछ साल पहले 1947-48 में इसकी ओरल मेडिसिन टैबलेट आई लेकिन अगर हम आयुर्वेद में देखते हैं कि आयुर्वेद चरक हैज़ मेंशन डिटेल अबाउट डायबिटीज़ मधुमेह और सुश्रुत जी ने तो इसका सारा वर्गीकरण करके इसके बारे में पूरी तरीके से विस्तार से कहा है कि मधुमेह का पूर्व रूप क्या होता है इसके लक्षण क्या है इसकी संप्राप्ति क्या होती है और क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए अब
ये टेक्स्ट को अगर हम देखें तो चरक संहिता वॉज रोट समवेयर 1200 BC बिफोर क्राइस्ट, माने आज से 3,500 साल पहले, और सुश्रुत संहिता 1000 BC, और हजारों साल से पहले जो चीज़ें लिखी गई है वो आज भी शाश्वत है और अप्लाई होती है। Dr. Nandedkar's works take a new turn and he starts taking the benefits of his research from classes to masses. मधुमेह है वो मूलतः प्रमेह है, प्रमेह के 20 टाइप बताए गए हैं और उसमें से पहले 10 कफज है, नेक्स्ट 6 पित्तज है और लास्ट के 4 वातज है। मैं आपको डिटेल्स इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि दैट इज़ अ बेस ऑफ अवर मिशन। कफज प्रमेह जो है वो साध्य कहा गया है, मैंने दैट इज़ क्यूरेबल। पित्तज प्रमेह माने अगर आप उस अवस्था में ध्यान ना दो और आपका डिसऑर्डर एडवांस स्टेज में ट्रैवल करे तो वो पित्तज प्रमेह होता है, और वो पित्तज प्रमेह इज़ कष्ट साध्य, माने इट विल क्योर बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। एंड केवल वातज प्रमेह असाध्य है जिसमें एक मधुमेह है। लेकिन हमने हमारे रिसर्च में ये देखा कि आपको एकदम से डायबिटीज़ नहीं होता है। बिफोर डायबिटीज़ देर इज ए कंडीशन कॉल्ड प्री डायबिटीज़, कि प्री डायबिटीज़, आज डायबिटीज़ को हमने एलिमेंट कहा है, माने क्योर नहीं हो सकता है, असाध्य कर दिया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के शेड्यूल जे में इसको दिया है। लेकिन प्री डायबिटीज़ तो किसी ने आज तक एलिमेंट नहीं कहा, माने प्री डायबिटीज़ इज़ क्यूरेबल। आयुर्वेद भी उसको साध्य और कष्ट साध्य कहता है। अवर मिशन इज़ दैट कि जितने डायबिटिक पॉपुलेशन है उनको तो देखेंगे, लेकिन भारतवर्ष में, पहले तो हम भारत की बात करते हैं, भारत में प्री डायबिटिक लोगों को रैंडम ब्लड शुगर असेसमेंट करके ढूंढा जाए, उनके जीवन में उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए। और हमने ये पाया हजारों लोगों के अंदर अगर हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो 4 से 6 महीने में आप 100% क्योर हो जाते हैं। अगर उसमें हमारी रिसर्च की आयुर्वेदिक मेडिसिन का आप सपोर्ट लेते हो, अगर लेना है तो, हमारा कंपल्शन नहीं है, तो ये और भी फास्ट हो जाते हो और इसका इम्पैक्ट परमानेंट रहेगा। माई मिशन इज़ दैट, अच्छा जो डायबिटिक पॉपुलेशन है उसमें फेटल डायबिटीज़ इसलिए क्योंकि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन वो हम ठीक कर पा रहे हैं, अप टू थर्ड स्टेज तक सारे कॉम्प्लिकेशन 100% रिवर्स होके क्योर हो जाते हैं। रही बात डायबिटीज़ की, हमने ये पाया कि अगर आप आपके खान पान पर कंट्रोल करते हो और कुछ आयुर्वेदिक रेजिमेंट को अपनाते हो तो धीरे धीरे जो मॉडर्न मेडिसिन आप ले रहे हो 4 महीने 6 महीने 8 महीने में, मैक्सिमम 1 साल में आपकी एलोपैथिक ड्रग्स पूरी बंद हो जाती है, और 1.5 से 2 साल में 10 में से 7 लोगों की एलोपैथी पूरी बंद होके हमारा फॉर्मुलेशन भी बंद हो जाता है अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो। और कॉम्प्लिकेशंस तो आपके 100% ठीक हो जाएंगे, मीन्स आप जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ उनमें फेटल नहीं रहेगा। अभी आप ठीक से समझिए कि जो नॉन डायबिटिक है उनके तरफ हम काउंसिलिंग करके उनको प्री डायबिटिक ना होने दें, जो प्री डायबिटिक सेगमेंट है हम उनको आइडेंटिफाई करके, उनके लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, उनको आयुर्वेद का सपोर्ट देके प्री डायबिटिक को हम नॉन डायबिटिक में लेके जाए। और ये जो जनरेशन अब बचा है डायबिटिक का, उनका मृत्यु का कारण डायबिटीज़ ना हो और वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, इस तरीके से अगर हम करते जाएंगे ये जनरेशन के बाद आने वाले जनरेशन को हम प्री डायबिटिक नहीं होने देंगे तो कुछ ही सालों में ना ही हमारा, माने पहले तो हमारा देश, क्योंकि हम अब यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा ये मातृभूमि जो आने वाले कुछ ही साल में इस मधुमेह से पूरी तरीके से मुक्त हो सकती है, और इसी मॉडल को हम दुनिया में लेके जाएंगे। इंटरेस्टिंगली इन द प्रोसेस डॉक्टर नंदेडकर ब्रिंग्स आउट
a great innovation for children suffering from type 1 diabetes. एक हर्बल टी जो मैंने टाइप 2 डायबिटीज के लिए डेवलप की है, एक 6 साल पहले एक वेदांत नाम के बच्चे के मम्मी ने, चूंकि वो नर्स है, उसने अपने बेटे को चाय दी और एक 4-6 महीने के बाद ने सरप्राइजिंगली एक सेमिनार में वो आई और उसने मुझे बोला कि मेरे बच्चों को अब इंसुलिन का डोज ही नहीं रखता। मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता था, आई हैव गॉन थ्रू द केस, और वो चाय के वजह से उसको काफ़ी राहत मिली थी। फिर हमने ये धीरे धीरे और भी बच्चों में देने का ट्राई किया। अब हमने ये देखा कि ये चाय डायबिटी हमारा जो फॉर्मुलेशन जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं उनके उनमें भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस कम होने में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जो फ्लक्चुएशन ऑफ ग्लूकोज होता है जिससे काफ़ी तकलीफ होती है वो स्टेबलाइज हो रहा है और उनकी ज़िंदगी एक सुलभ ज़िंदगी हो रही है। इस तरीके की जैसे कि अगर उनको डायबिटीज़ ना होता तो वो जो बच्चे नॉर्मल लाइफ जीते वही लाइफ वो जी रहे भले ही वो इंसुलिन ले रहे। काफ़ी बच्चों में इंसुलिन की मात्रा भी कम हो रही है। एंड इट वॉज ए एक्सीडेंटल इन्वेंशन, बट ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत थी। और हमने फिर सोचा कि ऐसे बहुत लोग हैं जो माता पिता वो अफोर्ड नहीं कर पाते इंसुलिन, फिर कम से कम अपन अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करें। तो हमने बाल मधुमेह दत्तक योजना का निर्माण किया। हमारी जो NGO है अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान 2006 से ये काम कर रही है और भारतवर्ष में आज तक हमने लाखों लोगों का फ्री ब्लड शुगर चेकअप किया है। Young Omkar, who has come for his regular checkup. And in the middle, Dr. Saab shares a lighter moment with the child as he shyly shares his wish to study electrical engineering when he would grow older. Dr. Saab makes him aware that he has to study a lot. More than that, the proud father is happier today to know that his son will live, grow and shine. मोटा हो ओंकार। कम से कम 7 साल से उसको डायबिटीज आहे। पहिला ॲडमिट केलं, त्यानंतर आम्हाला समजलं की डायबिटीज आहे, त्याच्यानंतर आम्ही घाबरून गेलो होतो। मग त्याच्यानंतर ॲडमिट केल्यानंतर इन्सुलिन चालू झालं आणि बरेच दिवस चालू होतं, पण एक 8-15 दिवसापूर्वी आम्हाला समजलं की इथं सरांक चांगल्यापैकी आहे। त्याच्यानंतर आलो, एक 15 दिवसापासून औषध चालू आहे डायबिटी, त्याच्यानंतर त्याचं चेहऱ्यात हसण्यात आणि वागण्याद्वारा फरक झालेला आहे आणि चांगल्यापैकी वाटते त्याला फ्रेशपणाचा। डॉक्टरांना जे औषध आम्हाला देत आहेत त्याचा एकही रुपया आम्हाला मागत नाही आणि म्हणजे विषयच नाही काही, आणि जे काही औषधं आहेत ते आम्हाला पोस्टाने घरपोच मिळतात, इथं यायची बी आवश्यकता नाही म्हटले। डॉक्टर रवींद्र नांदेडकर यांची एक आणखी खासियत मी तुम्हाला सांगेन, त्यांनी 18 वर्षाखालील जी डायबिटीजलील मुलं आहेत, म्हणजे ए नंबर 1 टाईपचा डायबिटीज म्हणतात ज्युवेनाईल, म्हणजे तो लहानपणापासूनच असतो, त्याच्यावर त्यांनी औषधं दिली आहेत, त्याच्यावरती त्यांना विनामूल्य उपचार करतात याच्यासाठी, आणि ह्याच्याकडून त्यांनी मुलांना त्या सतत कंट्रोलमध्ये ठेवलेलं आहे। हे त्यांनी डायबिटी देतात ते, आणि त्यामुळे ती पोरं अजूनही कमी डायबिटीज याच्यामध्ये राहतात, आणि हे सगळं विनामूल्य करत असतात हे। त्यांना त्यांनी दत्तक घेतलेलं आहे 18 वर्षाखालील मुलांना आणि त्यांना त्यांच्यावर हे उपचार करत असतात। मला वाटतं हे फारच चांगली सरकारच्या दृष्टीने आणि त्यांनी एक लोकोपयोगी जी काम करता येईल अशा रीतीने केलेलं आहे। हे मुलांना अशा रीतीने कुठल्याही मुलांना किंवा कुणालाही असं औषधं फ्री देऊन त्यांच्यावर उपचार करणं हे फार मोठेपणाचं लक्षण आहे आणि ते त्यांच्याकडे निश्चित आहे असं वाटतं। म्हणजे ते नुसते डॉक्टरच असं सांगले नाहीत पण एक समाजाला उपयोगी पडणारे एक डॉक्टर आहेत असं मी म्हणेन। त्यांनी हा जो उपक्रम चालू ठेवा असंच सतत चालू ठेवावा। कुणाला जर असा जर प्रॉब्लेम असेल की लहान मुलांना जर डायबिटीज झालेला आहे जन्मापासून, तर त्या मुलांनी त्यांचं ट्रीटमेंट जरूर घ्यावी, त्यांना निश्चित फायदा होईल असं मला वाटतं। भैया जब मेरे से मिलने आए थे पहली बार तो घर पर आ गए थे, मेरे को ढूंढते थे, बोले यार आपके बच्चे को शुगर है तो आप बच्चे इसको ला के दिखाओ यार एक बार सर को। मैं बोला भैया यार ये तो फिर कोई चाटू आदमी आ गया है, परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं शुगर का इलाज बहुत पहले से करवा रहा हूँ। बच्चा 11 महीने का था, शुगर अपने बच्चों को, इसी में परेशान था। फिर भैया माने नहीं, एक बार चलना पड़ेगा यार, कल मीटिंग है वहाँ पर, एक बार इंदौर आओ यार। जब मैं इंदौर पहुँचा भैया के कहने से, और वहाँ जब मैंने सर की सारी बातें सुनी, उसके बाद दिल में तो वही था कि यार ये भी सब अपने को चूतिया ही बना रहे हैं, लेकिन इसको क्या है, बच्चे को उन्होंने गोद लिया। गोद लेने के बाद में उसको जब वहाँ से दवाई फ्री इशू करी चाय,
वो चाय पीते हुए 5 दिन हुए, 5 दिन में इस बच्चे को इतना फर्क है कि जो इंसुलिन इसको सुबह 25 यूनिट लग रहे थे और शाम को 20, अभी सुबह में 12 लग रहे हैं, शाम को 10। अच्छा बच्चा इतना खा पी रहा है और खेल कूद रहा है जिसका जवाब नहीं, तो पहले इधर पलंग पे सो रहा है उधर सो रहा है, दिन भर परेशान, हम भी परेशान थे इसके चक्कर, अब तो ये आराम से हमारे साथ में खा पी रहा है, खेल कूद रहा है, मजे कर रहे हैं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बच्चा खुश है तो मतलब अभी हम आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आए, ये तो पहले आप ढूंढ रहे थे हमारे, ये मेन चीज। ओपन जीमेल विद अ पेसमेकर फिटेड इन हिज हार्ट, एन आर्टिफिशियल हिप जॉइंट, eyes lost and plagued by arthritis, Dr. Nandedkar works 24/7. ये व्यक्ति कि जिसे देखा जाए तो दोनों आँखों से दिखता नहीं है, ये व्यक्ति लोगों के लिए मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनके लिए, उनकी आँखें खराब ना हो इसके लिए काम कर रहा है। ये व्यक्ति जिसे चलने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है, वो व्यक्ति आज डायबिटिक पेशेंट के पैर काटे न जाए इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ये व्यक्ति जिसके हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए मशीन बिठाया गया है जिसका वजन 80 ग्राम का है, ये व्यक्ति लोगों की धड़कनें बंद न हो ड्यू टू हार्ट अटैक काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी इनके साथ में काम कर लूँ। एक दिल में भाव जागृत हुए और उनके साथ में काम करना शुरू किया। दोस्तों उस दिन से आज तक 24/7 सर के साथ में काम कर रहा हूँ और आज भारत भर में जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। एक बार सर ने मुझे कहा कि विलास, अभी मराठी में हम लोग कहते हैं कि जमिनीवरती घर बांधण्यापेक्षा विलास आता तू लोकांच्या हृदयात घर बांध। हे एक वाक्य सरांचं मला, मतलब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस सर का मुझे बहुत छू लिया और उस दिन से ये करीब करीब अभी की 2016 की बात है, अक्टूबर 2016 उस समय मैंने निर्णय लिया और प्रोजेक्ट इंजीनियर का जॉब मैंने रिज़ाइन किया और उसके बाद फिर मैं मिशन डायबिटीज़ फ्री इंडिया के लिए पुणे आ गया। For a man who has faced so many hardships and seen death from close quarters, believes in kal kisne dekha hai. So he fights and works every day, every single moment, and this has turned into an inspiration for his entire team and for millions of people who come to meet him every day. Dr. Nandedkar's clinic buzzes with life. He treats human beings and not a subject or a patient. For him, the family members of a patient are not mere patient party who are there to pay up. He interacts with his patients and the family members. Apart from giving them medicine, Dr. Nandedkar gives them the greatest gift that one can give. He gives them hope. While sharing a word about the doctor, many a patient gets emotional. मला एक साधारण 2.5 वर्षांपूर्वी थोडंसं असं गरगरायला लागलं, थोडं चक्कर येते की काय, मला थोडंसं ब्लर दिसतंय की काय असं वाटायला लागलं। तर म्हणजे प्रयोग तर खूप चालू होते नाटकाचे, शूटिंगही चालू होतं, तर मला वाटलं की एक्झर्शन जास्ती होतं आहे म्हणून तसं काहीतरी होत असेल। आणि त्यावेळेस आमचे एक मित्र होते कुंभार म्हणून, तर त्यांनी मला डॉक्टर नांदेडकर म्हणून पुण्यात आहेत आणि ताई तुम्ही एकदा या, आपण त्यांना तुमची नाडी चेक करायला सांगूया। तर मी म्हटलं ओके करूया, नाडी बघून जास्त पटकन आणि चांगलं कळतं, तर म्हटलं बघूया आपण। आणि त्यांनी मला सांगितलं होतं की एक काम करा, जस्ट तुम्ही बी पी वगैरे सगळं चेक करून या वगैरे सगळं सांगितलं होतं। आणि मी त्यांच्या ऑफिसमध्ये डॉक्टर नांदेडकरांना भेटले आणि त्यांनी बघून सांगितलं मला की असं वाटतंय की तुम्हाला प्री डायबिटिक असण्याचे चान्सेस आहेत, तुम्ही जरा सगळं चेक करून घ्या। खरं सांगायचं त्यांना, कुणालाही जेव्हा कळतं ना की डायबिटीस
ला सुरुवात होते किंवा तसलं काहीतरी आपल्याला आहे तर आपण ना संपून जातो. म्हणजे माझं असं झालं की माझं लाईफ संपलं. आता मला गोड नाही खाता येणार. आता मला जेवताना हजार वेळा विचार करायला लागणार. आता काय होणार. मी एवढा स्ट्रेस घेतला त्या गोष्टीचा की माझ्या चेहऱ्यावर दिसायला लागलं की मला कसलं तरी टेन्शन आहे काय आहे वगैरे. आणि त्यानंतर मी डॉक्टर नांदेडकरांना भेटले की हो मी रिपोर्ट्स आणलेत मला तसंच आहे डिटेक्ट झालेलं आहे प्री डायबिटिक. आणि जो मी तो साधारण महिना 20 दिवस जो काही स्ट्रेस घेतलेला होता मला डायबिटीस झाला या गोष्टीचा म्हणजे तो झालेलाही नव्हता तेव्हा प्री डायबिटिकच होते मी. पण त्या माणसाने डायबिटीसची दोस्ती कशी करावी हे मला छान समजावून सांगितलं. तो तुमचा आयुष्यभराचा मित्र आहे. मित्राला तुम्ही कसे काळजी घ्याल मित्राशी कसं तुम्ही बोलाल तसं तुम्ही त्या डायबिटीसला ट्रीट करा तुम्हाला काही होणार नाही. आणि मी म्हणजे तो सगळं टेन्शन त्रास सगळं विसरून गेले. आणि ते म्हणाले की ताई तुम्ही मला आजपासून भाऊ मानलेत ना मग मी सांगतो ते तुम्ही विश्वास ठेवा. मी आत्ता जे म्हटलं ना की फॅमिली डॉक्टर ही कन्सेप्ट आपल्याकडे गेलेली आहे. आमच्या लहानपणी फॅमिली डॉक्टर असायचे आणि आपले डॉक्टर काका काहीतरी आपल्याला औषध देणार आणि आपण बरे होणार हे जे फिलिंग होतं ना ते खूप वर्षांनी मला ते फिलिंग डॉक्टर नांदेडकरांकडून मिळालं. एक वर्षापूर्वी माझं डोकं अचानक दुखायला लागलं म्हणून मी डॉक्टरांकडे गेलो. डॉक्टरांनी सांगितलं की बी पी चेक करू. आपण बी पी चेक केला. बी पी नॉर्मल होता. माझा मुलगा माझ्याबरोबर होता. त्याने सांगितलं की आपण ब्लड चेक करायला जाऊ. तसंच मी पुण्यात गोळविलकर लॅबकडे ब्लड चेक करायला गेलो तर ब्लडमध्ये जे रिपोर्टिंग आले त्यामध्ये HbA1c माझा 8.7 होतं. आणि HbA1c 8.7 दिल्यानंतर मी पुण्यातल्या नामांकित हॉस्पिटलमध्ये एका नामांकित डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन ट्रीटमेंटसाठी त्यांच्याकडे गेलो. डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्हाला अशी अशी गोळी आयुष्यभर खावी लागेल. तुम्हाला डायबिटीस मधुमेह झालेला आहे. मी त्याच्यानंतर डॉक्टर रवींद्र नांदेडकर यांना भेटलो आणि डॉक्टर साहेब पुण्यातल्या डॉक्टरांनी मला ही गोळी आयुष्यभर खाण्याचा सल्ला दिला आहे. तुमच्या आयुर्वेदामध्ये तुम्ही जे मधुमेहमुक्त भारत ही संकल्पना भारतभर राबवत आहे आणि योगाने तो मधुमेह माझ्याकडे आलेला आहे तर त्याच्यासाठी तुमच्याकडे काय औषध आहे का. डॉक्टरांनी सांगितलं की भाऊ याच्यातली एकही गोळी तुम्ही खाऊ नका. माझ्या गोळ्या तुम्ही 1-3 महिने खाऊन पहा किती रिझल्ट मिळतो आहे आणि त्याच्यानंतर आपण निर्णय घेऊ. त्यानुसार डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार डॉक्टरांनी मला जी त्यांच्याकडची आयुर्वेदिक औषधं दिली त्यामध्ये या ठिकाणी प्रोडक्ट 360 आणि डायबिटी ही दोन औषधं तुम्ही चालू करा. रेग्युलर चालणं आणि आहारावर नियंत्रण ठेवून टेन्शनमुक्त राहण्याचा प्रयत्न करा. आपोआप तुमच्या रिझल्टमध्ये फरक पडेल. आणि HbA1c 8.7 जो माझा सुरुवातीला घाबरवणारा सगळ्यात आकडा धक्कादायक होता तो दर 2 महिन्यांनी मी ब्लड चेक करायला लागलो. हळूहळू 8.7 मी खाली खाली यायला लागल्यानंतर 4 महिने 22 दिवसामध्ये मी 6.2 आलो. आणि 6.2 आल्यानंतर डॉक्टरांना ज्यावेळेस रिपोर्ट दाखवले त्यावेळेस डॉक्टरांनी सांगितले की तुम्ही डायबिटीजमुक्त झालेला आहात. हा एक खऱ्या अर्थाने माझ्या आयुष्यातला चमत्कार मला तरी धक्कादायक आहे. बेसिकली आय एम अ डायबिटिक सिन्स द लास्ट 5 years अँड आय हॅपन टू मीट डॉक्टर नांदेडकर व्हेरी ॲक्सिडेंटली. बट इट वॉज अ ग्रेट फॉर्च्यून फॉर मी. आय वॉज वर्किंग ॲज अन ॲडमिनिस्ट्रेटर इन श्री दत्त देवस्थान ट्रस्ट अँड ही केम देअर अँड इट वॉज लाईक अन आन्सर टू माय प्रेयर्स बिकॉज आय वॉज प्रेईंग टू गॉड दॅट यू नो आय need some medicines, what do I do? So Dr. Nandedkar came and he said, I will help you out in everything because I had lots of health problems. I was not able to see, I had a neuropathy, then I had a lot of retinopathy also in my eyes and my sugar was 450 when it was detected. So Dr. Nandedkar is like God for me. He came, he gave his medicines and everything and then after that now my sugar is totally normal. HbA1c also is in control, 6.4, 6.8 in that range. I had a stroke, so in that also he helped me. So, you know, for me, whatever medicines he has prescribed, whatever he has helped,
has been an amazing phenomenon. All the, not only the medicines, I think his mission diabetes also, I want to mention here, mission diabetes free India which he has taken. He is really an inspiration. If you look at all his issues and everything that he has done for this, I think this is a mission which we must spread everywhere. तिला गेले 14-15 वर्षापासून शुगरचा त्रास आहे. प्रेग्नन्सीमध्ये जे आलेली शुगर होती ती आज तगायत कंट्रोल झाली नाही. आत्ता मी हे औषध घेतल्यापासून साधारण आम्हाला आत्तापर्यंतचा खूप म्हणजे अनुभव असा आहे की फर्स्ट टाईम आम्ही दिसतं की इतके मोठ्या ॲलोपॅथिकच्या ट्रीटमेंट घेतल्या पण साधारण 350-450-450 अशी शुगर असायची. इथं आल्यापासून एकदम खूप मोठा चमत्कार झालेला आहे. तिथं आमचा खूप मोठा अनुभव आहे. मेरा अचानक से वेट ऐसा लूज होने लग गया था तो मुझे लगा कि नहीं मैंने एक टेस्ट करना चाहिए. तो टेस्ट किया तो समझ में आया कि आई एम डायबिटिक, प्री डायबिटिक था. तो थोड़ा निगलेक्ट किया कि प्री डायबिटिक ही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं. तो थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान से प्राणायाम करती थी एंड टैबलेट बोला कि प्री डायबिटिक तो टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं. फिर बाद में कुछ महीने पहले तो एकदम ही 200 तक गए, यानी हम डायबिटिक हो गए. ये हो गया था रियलाइज. तो इसलिए बोला कि नहीं. तो फिर एक इसमें ऐड में ही देखा कि डॉक्टर नांदेडकर का हर्बल यू करके है, तो सोचा वहाँ जाके विजिट करना. तो वहाँ विजिट को आए तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किया तो इट वाज ऑलमोस्ट 223 था तब मेरा. तो उन्होंने बोला प्री डायबिटिक थे तभी क्यों नहीं आए. तो मैंने थोड़ा निगलेक्ट किया था, यह मेरी गलती हुई. तो उसके बाद इनके टैबलेट शुरू करने में मैंने मुझे स्टार्ट करके सिर्फ एक महीना हुआ है. एक महीने में अब मेरा फास्टिंग से 108 पे है एंड आफ्टर पीपी जो बोलते हैं आफ्टर फास्टिंग इट इज़ 123. तो एक महीने में काफ़ी फ़र्क आया मेरे इसमें. एंड अभी एक्सरसाइज भी, वॉक भी एंड जिम भी, ये तीन चीज़ करती हूँ मैं. माझ्या वडिलांना गेले 5-6 वर्षापासून डायबिटीसचा थोड़ा त्रास होता. पण रिसेंटली आता म्हणजे आमच्या फॅमिली डॉक्टरमध्ये थ्रू त्यांचं ट्रीटमेंट चालू होतं पण त्या औषधांचा एवढा काही खास परिणाम होत नव्हता. कंट्रोलमध्ये राहायची पण काळांतराने ती परत वाढायची शुगर. ह्यासाठी मग हर्बायूमधून आम्ही गेले 2 महिने झाले ट्रीटमेंट घेतो आहे आणि ह्या औषधांचा त्यांच्यावर 1-2 महिन्यात भरपूर फरक पडलेला आहे. आधी त्यांना इरिटेशन, चिडचिडपणा, रागीटपणा खूप यायचा, आता तो थोडा कमी झालेला आहे. प्लस शुगर लेवलमध्ये जी रँडम शुगर आम्ही आधी चेक करायचो तर ती 270-280 जायची, ते आता कमी होऊन जवळपास 190-210 मध्ये असते. ती कंट्रोलमध्ये आलेली आहे. HbA1c रिझल्ट गेल्या 2 महिन्याआधी आम्ही बघितला होता तो 16-16% होता, जो की खूप जास्त होता. अजून HbA1c रिझल्ट घेतलेला नाही पण ज्याप्रमाणे रँडम शुगरमध्ये कंट्रोलमध्ये आलेली आहे त्याचप्रमाणे HbA1c माझ्या मते कंट्रोलमध्ये येईल अशी मला पूर्ण खात्री आहे. मध्ये माझे सासरे गेले त्याच्यानंतर आम्हाला जळगावला यावं लागलं नंदुरबारचं हे सोडून. मग इकडं आल्यावर पण त्यांचं मीटिंग वगैरे समाजाचे अध्यक्ष म्हणजे सगळंच गोष्टी ते बघत होते, मदत करणे कोणाला, ते जेसीज वगैरे म्हणून प्रोग्राम वगैरे ते सगळं करायचे. त्याच्यात म्हणजे त्यांना बाहेरचं जास्त म्हणजे सोशल काम करण्यासाठी खूप इंटरेस्ट होता. नंतर हळूहळू हेच डायबिटीजचं आमचं तिथं ताईं क्लिनिक होतं ना, तेच मग ते हळूहळू बघायला वगैरे डायबिटीजचे पेशंट वगैरे ते सगळे याच्यामुळे कॅम्प वगैरे असायचे. ते आम्ही कॅम्पबरोबर मग सुरुवातीला मी त्यांच्याबरोबर जायचे म्हणजे आधीपासूनच त्यांच्याबरोबर जायची. मग आमचं क्लिनिक होतं तिथंच रिसेप्शन म्हणून पण मीच बसायचं, औषधं पण मीच तयार करायचे. त्याच्यानंतर वरती जाऊन परत स्वयंपाक बनवून यांना जेवू घालणे वगैरे. आम्ही दोघं मिळून 1-1.5 वाजला की क्लिनिक बंद केलं की दुपारचा स्वयंपाक बनवून ते जेवण वगैरे झालं, परत 5-6 वाजत तो परत खाली येऊन मीच उघडायचं क्लिनिक. मीच परत म्हणजे दोघांनी खाली आले की ते त्यांनी समोर म्हणजे केबिनमध्ये बसायचं, मी बाहेर रिसेप्शनिस्ट म्हणून बसायचं. ते रिसेप्शनिस्ट तो फॉर्म बिम काढून झाला की परत मेडिसिन देण्यासाठी तिथं बसायचं, मेडिसिन पण तयार करायचे वगैरे. असं करता करता आमचं कॅम्प वाढत गेले. कॅम्पबरोबर पण त्यांच्याबरोबर जायचं. प्रत्येक शनिवार रविवार कॅम्प फिक्स असायचे. मग शनिवारी रात्री 12-1 आलं की परत दुसऱ्या दिवशी रविवारी कॅम्प असायचा दुसऱ्या ठिकाणी. परत 4-1 वाजता उठायचं,
परत त्यावेळे म्हणजे सकाळी 8-9 वाजेपर्यंत त्या म्हणजे पुढच्या गावाला जाऊन तो तिथं कॅम्प वगैरे करायचा. दिवसभर कॅम्प केलेला असायचा. रात्री 12-1-2 वाजता पोचलं की सोमवारी परत क्लिनिक असायचं. ते 10-11 उघडलं की म्हणजे परत आठवड्याचं परत रुटीन सुरू व्हायचं. असं करत करत मग त्याच्यानंतर आम्ही 2009 पुण्यात आलो. 2009 पुण्यात आल्यावर अजूनच तो म्हणजे बिझनेस वाढला. इकडं तर एकटी पडले, तिकडे जळगावला तरी ठीक होतं, पण इथं एकटी पडल्यामुळं म्हणजे श्रुती पण लहान होती त्यावेळेस. त्याच्यानंतर गीत झाला, गीत पण खूप लहान होता 2009 म्हणजे त्याचं हे झालेलं आहे. तर त्याचं पण सगळं करत करत वगैरे मग नंतर बिझनेस म्हणजे इकडे येऊन त्यांनी मेडिसिन्सचं वगैरे बिझनेस, मग त्याचे रॉ मटेरियल आणणं वगैरे, ते म्हणजे आणायला पण मीच जायचं, जे इकडं मिक्स वगैरे करणं वगैरे, घरातलं बघायचं. श्रुती पण लहानच होती त्यावेळेला. म्हणजे सगळं करत करत सगळं इथपर्यंत आज आम्ही आलो आहे. Apart from his mission, the only thing perhaps that even today keeps Dr. Nandedkar happy is his music. He has so many problems, but travels thousands of miles to take mission Diabetes Free India forward across India. But Dr. Ravindra Nandedkar is unstoppable. He has embarked on a journey that has just begun. His energy, his confidence, and the prayers of thousands make him invincible. For Dr. Nandedkar is perhaps not born for a family alone. He is born for the world, a true example of Vasudhaiva Kutumbakam. Around 3 lakh patients have been benefited so far by Dr. Nandedkar's inventions and initiatives. 30,000 people have joined his initiative, Mission Diabetes Free India, out of which many have been direct beneficiaries of his inventions. And his initiative and the efforts of his team, that includes 30,000 of his associates, have been able to take this initiative to 25 states of India. Thus, all we can do is pray for him. इस प्रोजेक्ट की वजह से जब मैं भारत भर में जा रहा हूँ, लोगों के दिल के भाव, मतलब जो पेशेंट्स हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान हैं, ये भगवान का अवतार है, इन्होंने हमें जीवनदान दिया है. आणि मी डॉक्टरांना खूप 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 उदंड आयुष्य मिळू अशी देवाकडे प्रार्थना करते.
let us see his dream and let us believe nothing is impossible. He always says that don't think of the result what you are going to get. It's just the process, follow it, do it, and anything happens, you at least you have given your 100%. Now I am doing my first year MBBS, so I feel that strongly that after 5 years or now, in whichever, whatever form I can contribute to Mission Diabetes Free India, I would like to do that, and I want to learn more things from people, from Papa and everyone, and I want to contribute like my 100% to it. And thus, to end in Dr. Saab's own words. कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, और जब आपको ये पत्थर उछालना है तब मुझे गालिब के वो भी शब्द याद आते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है।